साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। बॉलीवुड में अपने 8 साल के करियर में रिया चक्रवर्ती के हाथ एक भी सफलता नहीं लगी है। फूहड़ और महाफ्लॉप फिल्मों के अलावा रिया के हाथ कुछ नहीं लगा। सुशांत सिंह राजपूत के बाद तो रिया का करियर पूरी तरह ठप पड़ गया था। वो तो रिया को रोडीज में गैंग लीडर बनने का मौका मिला, जिसके लिए रिया ने क्या क्या किया होगा ये सब जानते हैं, किस हद तक गिरी होगी ये सब जानते हैं। खैर, रोडीज में गैंग लीडर रिया की गैंग का लड़का ही विनर बना है। जी हाँ, वाशु जैन रोडीज 2023 के विनर है और विनर बनने के बाद वाशु जैन ने अपने मुंह से रिया चक्रवर्ती पर कई बड़े खुलासे कर दिए। जादू टोने की बात पर तो हर किसी को हैरानी हो रही है। रिया चक्रवर्ती अपनी गैंग के लिए किस स्तर तक गिर गई ये भी सामने आया है। तो रिया पर क्या हुआ बड़ा खुलासा, आपको बताते हैं सब। आप भी वीडियो को शेयर करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। तो यूथ बेस्ड रियलिटी शो एमटीवी रोडीज कर्म या कांड को इसका विनर मिल गया है। रविवार 15 अक्टूबर को अपने आखिरी एपिसोड के दौरान वाशु जैन को विजेता घोषित किए जाने के साथ ये शो खत्म हो गया। रिया चक्रवर्ती के गैंग के सदस्य वाशु शो के विजेता के रूप में उभरे, जबकि सिवेट तोमर जो प्रिंस नरूला के गैंग का हिस्सा थे उन्होंने फर्स्ट रनर अप का स्थान हासिल किया। सोनू सूद द्वारा होस्ट किया गया ये शो 30 प्रतियोगियों के साथ शुरू हुआ और इसमें प्रिंस नरूला के साथ रिया चक्रवर्ती और गौतम गुलाटी पहली बार गैंग लीडर के रूप में शामिल हुए। अब शो जीतने के बाद वाशु ने कहा कि रोडीज कर्म या कांड जीतना पसीने आंसुओं और अटूट रिश्तों की जर्नी है। ये सबसे अच्छे इमोशंस में से एक रहा है। रोडीज ने मेरी जिंदगी को बदल दिया है। मैं अपनी गैंग लीडर रिया मैम और सोनू सर के सपोर्ट के बिना ये नहीं कर पाता। शुरुआत से ही मुझ पर भरोसा रखने के लिए प्रिंस सर का भी बहुत बहुत धन्यवाद। हमने इन सब को अपनाया और अब मैं चैंपियन बन चुका हूँ और इसके पीछे रिया मैम की अथक मेहनत। अब ये बातें तो वाशु ने शो के स्टेज पर कही, मगर शो से बाहर आने के बाद वाशु जैन ने जो बताया वो बेहद हैरानी भरा है। वाशु जैन ने कहा कि मुझे पता था कि जीत मेरी ही होगी, क्योंकि रिया चक्रवर्ती मेरी गैंग लीडर थी। रिया चक्रवर्ती अपनी टीम के साथ मेहनत करने के अलावा जादुई शक्तियाँ भी कर रही थी। रिया चक्रवर्ती ने जीत के लिए हर तरीके का मंत्र जाप किया, हर तरीके का वो रास्ता अपनाया जो बताया भी नहीं जा सकता। साम दाम दंड भेद रिया चक्रवर्ती ने सब कुछ अपनाया और देखो रिया की मेहनत और जादुई शक्तियाँ काम कर गई। अब वाशु ने ये बातें भले ही रिया की तारीफ में कही हो, मगर माना जा रहा है कि वाकई में रिया जादू टोना करती है और ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि क्या रिया ने सुशांत सिंह राजपूत पर भी जादुई शक्तियों का इस्तेमाल किया था। अब जादुई शक्तियाँ या जादू टोना होता है या नहीं इसकी पुष्टि हम नहीं करते, मगर दुनिया में अगर पॉजिटिव एनर्जी है तो निगेटिव एनर्जी को भी इग्नोर नहीं किया जा सकता और हो सकता है कि रिया चक्रवर्ती भी उन्हीं निगेटिव एनर्जियों को यूज करती रही हो। तभी तो अच्छे भले सुशांत की हालत बहुत खराब हो गई थी। जो आखिरी के वीडियो सुशांत के सामने आए थे उसमें साफ दिख रहा था कि सुशांत किस हालत से गुजर रहा था और वो डिप्रेशन थ्योरी तो नाम भर की थी, बल्कि सच्चाई तो अब सामने आ रही है कि रिया किस तरह जादुई शक्तियों का इस्तेमाल करती रही है और यही रिया ने रोडीज में भी किया। इसका खुलासा खुद विनर ने अपने मुंह से किया है। तो रिया पर हुए इस बड़े खुलासे पर आपका क्या कहना है? क्या वाकई में रिया चक्रवर्ती जादू टोना करती रही है? क्या रिया ने सुशांत सिंह राजपूत पर भी जादू टोना किया था? आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और वीडियो को भी शेयर करें। तो रिया चक्रवर्ती और फरहान अख्तर की गर्लफ्रेंड शिबानी दांडेकर का याराना बेहद पुराना है। शिबानी दांडेकर ने रिया के बुरे वक्त में पूरा साथ दिया था, रिया जब जेल गई थी तब भी और रिया पर जब तमाम तरह के आरोप लग रहे थे तब भी। शिबानी ने तो रिया के लिए टीवी एक्ट्रेस अंकिता लोखंडे से भी पंगा मोल ले लिया था, अपनी कार तक रिया को गिफ्ट कर दी थी। मगर धीरे धीरे शिबानी ने भी रिया से दूरी बना ली, क्योंकि मामला सीबीआई तक पहुंच गया था। खुद पर आंच आते देख शिबानी ने रिया से दूरी बनाना शुरू कर लिया था, मगर अब रिया को उसी शिबानी की फिर से जरूरत पड़ गई है। अब एक बार फिर से रिया पर मुसीबतें आ रही हैं, तो रिया ने फिर शिबानी के कंधे का सहारा लेना शुरू कर दिया है। जी हां, मुंबई से खबर आ रही है कि रिया चक्रवर्ती अपना सामान बांध कर शिबानी दांडेकर यानी कि फरहान अख्तर के घर धमक गई है। खबरें हैं कि रिया ने कार में 4 बड़े लगेज रखे थे और चारों लगेज के साथ रिया शिबानी के घर के अंदर तक पहुंच गई। रिया कार खुद चलाकर आई थी और रिया
साथ कार में कोई नहीं था, ना तो भाई शौविक चक्रवर्ती और ना ही माया पापा में से कोई। जो भाई जिम भी रिया के साथ जाता है वो भाई शौविक रिया के साथ नहीं था। रिया अकेले कार से शिबानी के घर पहुंची। खबरों की माने तो रिया बेहद खराब हालत में थी। रिया ने ना तो ठीक ढंग के कपड़े पहने थे, बाल भी बुरी तरह बिखरे हुए थे और रिया के चेहरे का रंग पूरी तरह उड़ा हुआ था। ऐसा लग रहा था कि रिया का घर में बुरा वाला झगड़ा हुआ, रिया रो धोकर घर से निकली हो। अब हाल ही में खबरें आ रही थी कि रिया के मकान मालिक ने रिया को घर खाली करने को कहा है और कहीं ऐसा तो नहीं कि इसी वजह से घर में झगड़ा हुआ हो, क्योंकि अपने नए रिश्ते को लेकर रिया चक्रवर्ती के घर में वैसे ही कोहराम मचा हुआ है। और ऐसे में मकान मालिक का नोटिस मिलने के बाद तो रिया की हालत और ज्यादा खराब हो गई। वो अपने परिवार वालों से लड़ झगड़ कर शिबानी दांडेकर के घर पहुँच गई है। अब रिया ने तो अपने लिए नया ठिकाना ढूंढ लिया, मगर भाई माँ बाप का क्या, इसके बारे में कोई अपडेट नहीं है, क्योंकि मुंबई में किराया देना और घर का खर्चा चलाना इन तीनों में से किसी के वश की बात नहीं है। रिया भी जैसे तैसे रोडीज के जरिए घर का खर्चा निकाल रही थी। अब रिया चली गई तो यकीनन परिवार सड़क पर आ जाएगा और खुद रिया शिबानी के घर कितने दिन तक रहेगी, शिबानी भी हफ्ते दो हफ्ते से ज्यादा नहीं रहने देगी, तो फिर रिया का क्या होगा, रिया के परिवार का क्या होगा, ये सोचने वाली बात है। तो फिलहाल तो खबर यही है कि मकान मालिक के नोटिस के बाद रिया के घर में फूट पड़ चुकी है। रिया अपने परिवार से झगड़ा करके फरहान अख्तर के घर धमक गई है। अब देखना होगा कि फरहान रिया को कब तक आसरा देता है। तो आपको क्या लगता है, क्या रिया चक्रवर्ती को कर्मों की सजा मिलना शुरू हो गई है, जैसे सुशांत को अपने परिवार से दूर किया, क्या वैसे ही रिया भी अपने परिवार से दूर होती जा रही है? आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और वीडियो को भी शेयर करें। तो सभी को पता है कि सुशांत सिंह राजपूत की संदिग्ध मौत के बाद रिया चक्रवर्ती का मुंबई से लगभग बोरिया बिस्तर सिमट गया था। जेल से बाहर आने के बाद तो रिया की हालत ये हो गई थी कि मकान मालिक ने बाहर निकाल दिया था और मुंबई के पूरे बांद्रा इलाके में कोई भी रिया और उसके परिवार को किराए का घर देने को तैयार नहीं था। रिया के खिलाफ ये नफरत आज भी बांद्रा में कायम है और आज की तारीख में भी रिया को कोई भी किराए पर रखने को तैयार नहीं है। उस वक्त 6-7 महीने भटकने के बाद रिया को बड़ी मुश्किल से एक घर किराए पर मिला था, जिसमें रिया पिछले लगभग 2 साल से अपने परिवार के साथ रह रही हैं। मगर अब रिया से ये घर भी छिनने वाला है, क्योंकि इस घर के मकान मालिक ने भी रिया को नोटिस भेजा है और जल्दी से जल्दी मकान खाली करने का आदेश दिया है। सूत्रों की माने तो नोटिस में रेंट एग्रीमेंट खत्म होने के हवाले के साथ ही घर खाली करने की बात कही है। नोटिस में लिखा है कि अब मकान मालिक रिया चक्रवर्ती के साथ आगे रेंट एग्रीमेंट को रिन्यू नहीं करना चाहते, बल्कि अब घर खाली कराना चाहते हैं, क्योंकि मकान मालिक को इस घर में कुछ कमर्शियल एक्टिविटी शुरू करनी है। अब कमर्शियल एक्टिविटी का बहाना हो सकता है, लेकिन मकान मालिक का साफ मकसद है कि वो रिया चक्रवर्ती से घर को खाली करा ले। सूत्रों की माने तो मकान मालिक रिया चक्रवर्ती से जुड़ी खबरों से परेशान हो चुका है और जब से रिया का नाम पत्रकार राजदीप सरदेसाई के साथ जुड़ा है, तब से तो मकान मालिक का गुस्सा और भी ज्यादा बढ़ गया है, क्योंकि मकान मालिक का साफ मानना है कि वो रिया से जुड़े किसी भी पचड़े या विवाद में नहीं पड़ना चाहता। मकान मालिक को पता है कि पत्रकार के चक्कर में कहीं रिया मुसीबत न पैदा कर दे, कहीं फिर से अगर पुलिस के चक्कर में फंसी तो मकान मालिक के लिए भी मुश्किलें हो जाएंगी। इसीलिए मकान के ओनर ने रिया को नोटिस दे दिया है और मकान खाली करने की बात कही है। सामने तो ये भी आ रहा है कि पिछले कई महीनों से रिया का रेंट भी पेंडिंग चल रहा है। रिया ने पेंडिंग रेंट को भी कई महीनों से जमा नहीं कराया और इसीलिए ओनर अब रिया का रेंट एग्रीमेंट बढ़ाने के मूड में बिल्कुल भी नहीं है। उधर राजदीप सरदेसाई और रिया के लिंकअप की खबरों से रोडीज की टीआरपी पर भी बेहद बुरा असर पड़ा है। पहले ही रोडीज पूरी तरह फ्लॉप है, मगर फिर भी जो दर्शक देख रहे थे उन्होंने भी शो से मुंह फेर लिया है और इसकी इकलौती वजह रिया चक्रवर्ती बताई जा रही है, जिसके बाद रोडीज के मेकर भी रिया को शो से बाहर कर सकते हैं, ऐसी भी खबरें आ रही है। तो कुल मिलाकर रिया चक्रवर्ती के लिए मुश्किलें चारों तरफ से आ गई है, न सिर पर आसमान बचा है और न ही कदमों के नीचे जमीन। रिया के लिए हर तरफ मुश्किलें ही मुश्किलें हैं। तो आपको क्या लगता है, रिया को अपने कर्मों की सजा मिल रही है, क्या मकान मालिक रिया के साथ ठीक कर रहा है और रिया को क्या वाकई में रोडीज से भी बाहर कर देना चाहिए? तो रिया चक्रवर्ती के इस पूरे अपडेट पर आपका क्या कहना है, आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और वीडियो को भी शेयर करें।